वेलकम टू डिस लर्निंग तो एक स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट किया है एंड ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि हम का जो करंट सिलेबस है या लेटेस्ट सिलेबस है उसके ऊपर एक वीडियो बना डिस्कशन डिस्कसन करें तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कसन करूंगा कि जो आ, मतलब आर आई सी ट्वेंटी ट्वेंटी में एग्जाम होगा उसमें क्या क्या चीज़ आपके क्वेश्चन में आएंगे ठीक है मतलब क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा सिलेबस क्या है उसका एग्जैक्टली exactly वो हम डिस्कस करेंगे तो आप कैसे उसको देख सकते हो देखो आर का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है यहाँ पे गूगल पे जाके आर टाइप करना है फिर आपको जो पहला वेबसाइट दिखता है जहाँ पे लिखा है सी डब्ल ई डॉट एन सी आर टी डॉट गॉव डॉट इन इसी पे क्लिक करना है एंड जो पहला वाला लिंक है उसको जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे जाओगे अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो यहाँ पे नीचे जाओगे यहाँ पे सी ई सिलेबस लिखा है आप देख सकते हो ये सी ई सिलेबस की बजाय जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे सिलेबस एंड जो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह लिखा होता है तीन ग्रुप में एग्जाम होता है ग्रुप ए ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ग्रुप ए में जो भी ट्वेल्थ के बाद वाले बच्चे होते हैं वो ग्रुप ए में एग्जाम देते हैं बी एस सी बी एड बी ए बी एड एंड एंड एम एस सी एड के लिए बी एस सी बी एड एंड बी ए बी एड चार साल का कोर्स होता है एंड एम एस सी एड आपका छः साल का कोर्स होता है उसके बाद ग्रुप बी में बी एड एंड बी बी एड एम एड इंटीग्रेटेड आता है बी एड टू ईयर का होता है एंड बी एड एम एड आपका थ्री uh, ईयर का होता है इंटीग्रेटेड बी एड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप बी एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड ग्रुप ए वाले भी अगर आप ट्वेल्थ क्लास में अभी हैं ट्वेल्थ आपका ख़त्म होने वाला है तो आप जब अपेयरिंग में होता है जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है ट्वेल्थ का तो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड बी एड एम एड के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल में फाइनल ईयर में हैं या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इंटीग्रेटेड बी एड एम एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड ग्रुप सी जो आपका एम एड है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन uh, के साथ बी एड करना पड़ता है या फिर जो बी डी बी एल ई डी डी एल ई डी होता है उसके साथ ग्रेजुएशन करना पड़ता है तब तो आप एम एड के लिए अप्लाई कर सकते हो देखो ग्रुप ए ग्रुप सी एंड ग्रुप ग्रुप ए बी सी तीनों में लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग अलग होता है लेकिन सिलेबस सबके लिए सेम ठीक है ग्रुप ए में लेवल जो होता है वो आपका प्लस टू तक का लेवल का यहाँ पे लिखा है लेकिन एक्चुअल में सही में मायने में अगर मैं बताऊँ आपको तो लेवल ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिफरेंस कुछ नहीं होता क्योंकि सिलेबस क्या देख लो पहले ठीक है यहाँ पे लिखा तो है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी में ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है ठीक है लेकिन ज़्यादातर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है मैं आपको बताया तो पहले देख लो आपकी तीन जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है वो क्या क्या है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी मतलब इंग्लिश टीचिंग एप्टीट्यूड एंड आपका रीजनिंग एबिलिटी ठीक है इंग्लिश से ट्वेंटी क्वेश्चन रीजनिंग से थर्टी क्वेश्चन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड थर्टी क्वेश्चन पूछते हैं एंड ये अगर देखोगे आप इंग्लिस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश एंड रीजनिंग एबिलिटी तो आप क्लास टेंथ तक ही ये पढ़ते हो बाकी टेंथ के बाद आपका इंग्लिश और रीजनिंग में कुछ ज़्यादा वहाँ पे सिलेबस होता ही नहीं है तो क्लास टेन तक का लेवल का ही पढ़ मतलब क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम है पढ़ना पड़ेगा आपको वहीं से ही आपका क्वेश्चन आता है क्लास टेन तक का लेवल का एंड टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड ये पूरा पूरा आपके लिए सबके लिए न्यू है जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में है वो बी नहीं किए हैं उनके लिए सेम होता है लेवल आपका बिल्कुल सेम होता है थोड़ा क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो हम अप, अपने जो प्रैक्टिस साइड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें वो इंक्लूडेड रहता है सिलेबस अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो लैंग्वेज प्रोफिजेंसी या इंग्लिश में आपका कॉम्प्रेंसन रियर सेंटेंसेस सिलेक्टिंग वर्ड फॉर द ब्लैंक्स या फिल इन द ब्लैंक्स होता है एरॉर्ड्स से क्वेश्चन आते हैं आपका फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ठीक है इडियम्स होते हैं फिर उसके बाद आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस को फील करना होता है सुइटेबल वर्ड से सिक्वेंसिंग होता है सिनोनिम एंटोनिम इडियम्स प्रिपोजिशन टेंस आर्टिकल ये सब इंग्लिश से हैं इसी से आपका क्वेश्चन आता है ठीक है और इसके लिए इंग्लिश प्रोफिशेंसी का बुक है हमारा दैट इज मोर देन एनफ फॉर ए प्रिपेरेशन ठीक है जो आपको अमेजॉन पर मिल जाएगा डायरेक्टली भी हमसे आप परचेज कर सकते हो अमेजन पे लेने पर थोड़ा ज्यादा प्राइस आपका पड़ेगा बिकॉज ऑफ द एमेजॉन्स कमीशन लेकिन आप डायरेक्टली परचेज करोगे तो आपको कम प्राइस रहेगा उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर आप सिलेबस देखोगे तो यहाँ पे ये कंप्लीटली न्यू है जो बीएड नहीं किए अभी तक इंटीग्रेटेड हो या टू ईयर हो जो एम कर चुके हैं वो सब ये डेफिनेटली जानते होंगे टीचिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका एटीट्यूड टुअर्ड एजुकेशन चिल्ड्रेन टीचिंग प्रोफेशन इंटरेस्ट इन टीचिंग लीडरशिप क्वालिटी एंड ग्रुप मैनेजमेंट इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल जनरल अवेयरनेस ऑफ इशू जनरलिंग टू स्कूल एजुकेशन मतलब जीके इन ऑफ स्कूल एजुकेशन ये सब चीज़ आपका रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड में जो कि आपके अंदर वो क्या टेस्ट करते हैं कि आप एक टीचर कैसा टीचर बन पाओगे वही टेस्ट किया जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड के थ्रू ठीक है रीजनिंग एबिलिटी में यहाँ पे जितना लिखा है उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उससे और भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि कैलेंडर है और कुछ टॉपिक यहां पे मेंशन नहीं है ठीक है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप जिसको ब्लड रिलेशन कहते हैं तो ऐसे भी बहुत सारी चीज इसमें नहीं लिखा है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी इंग्लिश तीनों के ऊपर हमारे पास तीन अलग अलग बुक है जो कि एक्सपर्ट हमारे डिसीज लर्निंग एक्सपर्ट्स ने बनाया है वो डेफिनेटली आप जो है बुक परचेज कर सकते हो डायरेक्टली परचेज करोगे तो आपको कम प्राइस लगेगा हम आपके पास स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देंगे एंड अगर आप कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू परचेज करना चाहते हो तो आप अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हो लेकिन मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको अगर आपको ट्रस्ट है हमारे ऊपर तो डायरेक्ट परचेज कर सकते हो क्योंकि आपको कम प्राइस लगेगा एंड डायरेक्टली हम आपके पास सेंड करेंगे कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा लेकिन अमेजोन के थ्रू अगर आप लेंगे तो अमेजोन के थ्रू आपके पास वो मटेरियल जाएगा ठीक है दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग तो ये सिलेबस है देखो आपका 80 क्वेश्चन होता है 160 मार्क्स का दो घंटे का पेपर होता है मार्किंग भी यहाँ पे होता है इसको ध्यान में रखना है एक करेक्ट क्वेश्चन करने पे दो मार्क मिलेंगे गलत करने पे माइनस फाइव आपके हो जाते हैं ये सिलेबस है क्वेश्चन पैटर्न है एंड लेवल जो यहाँ पे लिखा है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया ए और बी का लगवग, का लगभग सेम लेवल क्वेश्चन आता है सी का टीचिंग एप्टीट में थोड़ा हायर लेवल होता है बाकी सब लेवल सेम होता है क्वेश्चन अलग अलग होते हैं ट्रिक्स टेक्निक्स वो सब सेम होते हैं इसलिए स्टडी मटेरियल आप लेके पढ़ाई कर सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस क्वेश्चन अलग अलग होते हैं तो आप जब ऑर्डर करेंगे तो बता देना कौन से कहीं पे भी दिक्कत ना हो ठीक है सपोर्ट मिलता रहे हर एक टॉपिक आपका कवर हो जाए इसलिए हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो कैसे ज्वाइन कर सकते हो जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है मैं प्राइसेस बता देता हूँ आपको अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल लेते हैं सिंगल तो फोर फिफ्टी रुपीज़ पर बुक का आता है आपका लेकिन अगर आप कंप्लीट मटेरियल लेते हो जिसमें तीनों बुक आपका रहेगा तीनों बुक का प्राइस इलेवन हंड्रेड है प्लस जो एक्स्ट्रा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस बुक लेट ओ एम आर सीट एक्स्ट्रा कुछ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं फ्री ठीक है उसका जो प्राइस होगा आपका फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ है ऑफर प्राइस ठीक है और उसके अलावा पूरा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको लेना है साल भर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना है तो 500 एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो 2000 आपका प्राइस होगा न्यू ईयर ऑफर में अगर आप परचेज करते हो तो एटीन हंड्रेड उसका प्राइस रहेगा आपका टेंथ जनवरी तक ये अवेलेबल होगा एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका टोटल प्राइस स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ मिला के आपका टोटल प्राइस फोर ओनली रहेगा ठीक है सॉरी फाइव थाउजेंड आपका सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का फी है एंड फोर थाउजेंड प्लस आपका वन थाउजेंड थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा जो जो ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे तो आपका फाइव थाउजेंड में टोटल कोर्स आपको मिल जाएगा ठीक है फाइव थाउजेंड रुपीज में आपका टोटल कंप्लीट कोर्स ऑल स्टडी मटेरियल कंप्लीट टेस्ट सीरीज कंप्लीट आपका ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लाइब्रेरी सब कुछ आपको मिल जाएगा एग्जाम तक क्लासेस होंगे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्लासेस कब तक होंगे ऑप टू एग्जाम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम क्लास करते रहेंगे तो टेंशन नहीं लेना है डेली बेसिस पे क्लास होगा वीकली टेस्ट होंगे आपके तो आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो एंड डेफिनेटली अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे फॉलो करोगे हर एक चीज़ को अच्छे से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो पर जय हिंद